इंडिया की एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू हो चुकी है और हम भी उस रेस में बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा रोल गांव गांव शहर शहर घर घर तक पहुंचा है शार्क टैंक ने। आई होप सबने देखा होगा, मुझे दिन में ना 10 से 15 मैसेजेस और कमेंट्स आते रहते हैं। हमारे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं अमित राणा जी, उनका भी बहुत कहना है मुझसे कि शार्क टैंक क्यों नहीं आते विकास भाई, हमेशा यही बात चलती रहती है। तो मेरा, मैं आज आप सबको बताता हूँ कि हम लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे। आई होप मुझे पता भी है कि हमारा आइडिया यूनिक है, वहाँ जाकर बहुत अच्छा कुछ प्ले भी कर सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज हमारी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैं पर्सनली फुटवेयर इंजीनियर हूँ, उसके बाद ये स्टार्टअप करा तो बैकग्राउंड भी बहुत सॉलिड है, और मैं एक ऐसे शहर से बिलोंग करता हूँ आगरा, द सिटी ऑफ लेदर एंड द सिटी ऑफ लव इसे कहा जाता है। तो यहाँ बचपन से मैंने लेदर, जूता, स्नीकर, कैनवास, B2B, कार्टन और ये सब शब्द में सुनता आया हूँ। उसी के अराउंड मैंने स्टडी करी और उसके अराउंड मैंने ये स्टार्टअप बनाया, जिसका नाम हमने स्टार्ट करा था शूमेकर यूट्यूब चैनल। मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी हम जस्ट 28 का मैं अभी हुआ हूँ, और ये स्टार्टअप हमने 3 साल पहले शुरू करा था एट दी एज ऑफ 25, और बहुत अच्छा गया, उम्मीद से अच्छा गया। स्टिल अभी तक हम बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, कहीं से कोई फंडिंग नहीं ली, और मुझे लगता है आगे भी नहीं लेनी, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं आज बताता हूँ हम लोग किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर से फंडिंग क्यों नहीं लेते। फॉर एग्जांपल अनुपम मित्तल से हम अगर फंडिंग लेते हैं, उनको शायद जूते का जू भी नहीं पता, लेदर का एल भी नहीं पता। हो सकता है उन्हें पता हो इस मार्केट के बारे में, वो ओवरऑल मार्केट देखेंगे, एक नंबर के बेसिस पे जज करेंगे, ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन, इक्विटी शेयर्स, ये सब बातें आएंगी। पर जो मेरा प्यार है जूते के लिए और जो मेरा विजन है, वो समझाना मेरे लिए बहुत टफ रहेगा। उनका कहना रहेगा भाई आप कितना एड्स पर खर्च करते हो, मैं कहूँगा 0। वो कहेंगे XYZ, मैं सारे आंसर दे दूंगा। लेकिन अब मेरा विजन क्या है, ये जूता प्योर लेदर TPR सोल में बहुत बिका, बहुत लोगों ने हमसे खरीदा, बहुत लोगों की डिमांड आई, ये मैं बेचता हूँ 800 रुपये का, वो भी फ्री शिपिंग के साथ, 150 रुपये जिसमें शिपिंग जाती है। बूट आता 2 किलो में। आप अगर ई कॉमर्स से जुड़े हुए हो तो थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज को समझेंगे कि 2 किलो की शिपिंग कितनी है इंडिया में, 150 से 200 रुपये। हम कितने का दे रहे हैं, प्रोडक्ट वैल्यू हमारी निकली 600-650 रुपये। उस रेट पर कोई मुझे बेचने नहीं देगा, तो जब वो मुझे बाउंड करेंगे मेरे विजन से, तो मैं कैसे अपना बिजनेस किसी और के अकॉर्डिंग चलाऊं। मुझे, मेरा गोल तो ये है यार, वो लेदर के शूज, इसको अभी हम 700 रुपये तक लाने की हर दिन कोशिश कर रहे हैं। कैसे, हम जो एक मिथ फैला हुआ है लेदर प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, अभी हमने एक ना नाइफ बनाया, ये देखिए, ये नाइफ तो हमने बाहर से परचेज करा, इसका हमने कवर बनाया लेदर का, यार कोई यूज कर रहा है ये नाइफ, अभी हमने परचेज करा, ये कटिंग में यूज होता है हमारे लेदर के, ये इसका लेदर कवर बनाया, वेस्ट में से बनाया है ये पूरा। अगर इसकी भी कॉस्ट आप लोगे तो करीब करीब 300 से 400 रुपये आती है इस लेदर बैग की कॉस्ट, पर हमारे यहाँ इसकी कॉस्ट आई है सिर्फ 50 रुपीज इसको बनाने की, हमारे यहाँ इन हाउस। तो मैं ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे आता है ये करना, तो मैं किसी को बाउंड नहीं कर सकता अपने लिए, पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं, जो आर्टिकल आपके सामने रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ आती है, वहाँ बहुत सारी बातें होती है कि कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर क्यों नहीं हो, मिंत्रा पर क्यों नहीं हो, नायका फैशन पर क्यों नहीं हो। भाई मैं बताता हूँ हम क्यों नहीं है। हम ना इसलिए नहीं है क्योंकि हम बूटस्ट्रैप है, और एक प्रॉफिटेबल, अफोर्डेबल और कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस बनाना चाहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ। अगर हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पर होंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या आना है, वहाँ की पॉलिसीज बहुत अजीब है। 40% ऑलमोस्ट कमीशन मार्जिन है शिपिंग को मिलाकर। अगर मेरा कोई एक्स प्रोडक्ट 1000 रुपये का रेडी हुआ है, तो 1400 तो वो वैसे ही हो गया। अब मेरा 1000 का प्रोडक्ट रेडी हुआ है, मैं आपको 1100 का दे सकता हूँ, स्टार्ट है 100 रुपये के मार्जिन पर काम कर लूँगा, ठीक है मैं तैयार हूँ, पर मुझे 1400 का वहाँ बेचना है। उसके बाद रिटर्न पॉलिसी इतनी वायलेंट है कि जिसका कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, ठीक सा नहीं लगा इसलिए रिटर्न कर दिया, ठीक है, अब वो ठीक का फील कैसे दे।
वहां वो रिटर्न आ जाता है, फिर उसके पास शिपिंग चार्जेस देनी पड़ती है, जेन्युइन रिटर्न वो मार्क होता है, पेनल्टी देनी पड़ती है 40% की, और जाने आने का चार्ज देना पड़ता है जिसमें गलती भी नहीं है हमारी। तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता, मैं एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। हम लोग हैं शूज़ के रेस्टोरेंट, आपने ऑर्डर दिया, एक दिन में हमने बनाया और आपके सामने पेश कर दिया ट्रे में, ये गोल है हमारा। इसलिए हम लोग किसी ई कॉमर्स पर नहीं करते क्योंकि हमें समझ नहीं आता, हमें एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट बेचना है विदाउट एनी कमीशन। मार्केटिंग में हम लोग इन्फ्लुएंसर हायर नहीं करते, हम खुद का एक छोटा सा स्टूडियो बना रखा है अब, जिसको हम नेक्स्ट लेवल ले जाने वाले हैं वेरी सून आप लोगों के सपोर्ट से। तो वहाँ हम लोग इस तरीके से खुद ही मार्केट कर रहे हैं, खुद ही लोगों से जुड़ रहे हैं, और मेरा फेस ही आपको हमेशा मिलने वाला है। रादर देन अब हम बात कर लेते हैं अपने इस आर्टिकल के बारे में, जो शायद आप इस चैनल पर काफ़ी टाइम से देख रहे हो, मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल। इसमें कुछ नए कलर भी हमने ऐड ऑन करे हैं, तो ये अभी मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 अराउंड 6 कलर्स रखे हैं जिसके बारे में जल्दी से बात कर लेता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। ये ब्लैक कलर का बूट है, पूरा मेड अप ऑफ स्वेड लेदर है, ये इसकी नॉच है और अंदर भी इसकी पूरी पैडिंग है, और यहाँ इसका TPR का सोल है, स्टिच जैसा इसका फील है, और इसकी प्राइस है सिर्फ 800 रुपीज़ फ्री शिपिंग। ठीक है, एंकल लेंथ इसकी मीडियम है, और कौन कहता है, कौन पागल हो गया है कि सर्दियों में ही बूट पहने जाते हैं, गर्मी पड़ रही है, और ये लो जी ये पहन रहा हूँ मैं, और इसकी ये कंडीशन है, और ये रहा 4 साल पुराना मेरा बूट, 4 साल पुराना मेरा ये बूट, और गर्मी पड़ रही है अभी आगरा में, और मैं पहना हुआ हूँ इसको। ठीक है, तो ये फालतू की बात है, मैं टी शर्ट पहना हूँ, जीन्स पहना हूँ, देख लो लुक कैसा आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बूट कभी भी पहनो, इतनी लेंथ बढ़ जाने से जूते की गर्मी का कोई मतलब नहीं होता, गर्मी नहीं लग जाती, ये कहने की बात है। ठीक है, या तो आप चप्पल पहनो, चप्पल नहीं पहननी तो जूता कोई भी पहन रहे हो, जूता आप कोई भी पहन रहे हो तो बूट और जूता एक ही चीज होती है, डजेंट मैटर, इतनी हाइट बढ़ जाने से कोई गर्मी नहीं पड़ती। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, चीकू, टैन एंड वाइन, कोई भी कलर आप परचेज कर सकते हैं 800 रुपीज फ्री शिपिंग में। वन ऑफ द फेवरेट कलर इसके, इसको देख लो आप एक बार, ये प्रोफाइल मिलने वाला है आपको, वाइन कलर, ग्रीन, ब्लू, चीकू। ठीक है, इसके 6 अवेलेबल कलर्स हैं, आप बुक कर सकते हैं द शूमेकर यूट्यूब चैनल से, और डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर चल रही है व्हाट्सएप की, और डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में हमारा एक चैट लिंक है और व्हाट्सएप का लिंक है, आप बाय कर सकते हैं। 800 रुपीज़ फ्री शिपिंग, पैन इंडिया हमारी शिपिंग है, और पहला ऐसा यूनिक चैनल है जो डायरेक्ट फैक्ट्री से आपको प्रोडक्ट दे रहा है विदाउट एनी कमीशन और विदाउट एनी टारगेट। बहुत सी चीज़ें आगे करने वाले हैं हम, इस स्टूडियो को रिनोवेट करने वाले हैं, फैक्ट्री में शूट करने वाले हैं, लेदर को काटते हुए, बनाते हुए, हीटर पर गर्म करते हुए, सब कुछ आपको दिखाएंगे, और एकमात्र वर्सेटाइल चैनल, एकमात्र मोस्ट नॉलेजेबल चैनल जो कि फैशन कैटेगरी में शूज़ में आएगा, कपड़ा बहुत बनाते हैं, जिस दर्जी पर चले जाओगे काट कर 2 टी शर्ट सिलकर दे देगा, शर्ट बना कर दे देगा, जूता नहीं बनता, जूता इज एन आर्ट, इसको बनाने में ना बहुत आर्ट लगती है, वो दिखाऊंगा आपको। मैंने जो इंजीनियरिंग करी है जिसमें मैंने बहुत इंजॉय करा है, वो आपके सामने से कहूँगा। एंटरटेनमेंट के साथ हम लोग जूता खरीदेंगे, मतलब खरीदेंगे क्या, आपके लिए हमारे लिए सेलिंग पॉइंट होगा, पर आपको मज़ा आएगा उस पॉइंट में, बड़ा मज़ा करेंगे। और देखो आप इस आर्ट को, और ज्वाइन करो यार इस स्टार्टअप को जल्दी से जल्दी, एक दो मेरे को आप मौका दो शूज़ बनाने का, आपके लिए बड़ा मन है आप लोगों से और इंटरेक्ट करने का, एक बड़े बेस के साथ काम करने का। 125 करोड़ है हम, क्या हमें किसी फंडिंग की ज़रूरत है? 125 करोड़, अगर 125, मतलब उसका 10% या 3% आदमी भी लग जाएगा ना किसी स्टार्टअप को सक्सेसफुल करने में, तो इंडिया का इकोसिस्टम ही बदल जाएगा, और उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। आपकी ज़रूरत है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सके अपने लोगों में बताएं कि एक अपना भाई जूते की फैक्ट्री लेकर हर शहर में पहुंच चुका है, और डंका पीटते हैं द शूमेकर यूट्यूब चैनल के थ्रू एक नई पहल का। मिलते हैं अगली वीडियो में।